क्या आप लोकल गाड़ियों में सफ़र कर करके परेशान हैं और अपनी पर्सनल सवारी ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन गाड़ियाँ तो इतनी महंगी हैं जो आप अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मैं आपके दुख में बराबर की शरीक हूँ। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना यार एक स्कूटी ले ली जाए, लेकिन स्कूटी लेने से पहले ये तो सीखना ज़रूरी है कि इसको चलाते कहते हैं। तो आइए आज सीखते हैं कि स्कूटी को कैसे चलाना है। स्कूटी तो मिल गई है, लेकिन यार सीखनी किससे है? आज हमारे साथ मिस सहर हैं, तो इनसे पूछते हैं इनके स्कूटी चलाने के एक्सपीरियंस के बारे में और इनसे सीखते हैं कि स्कूटी चलाते कैसे हैं। मिस सहर, आप कब से चला रही हैं ये स्कूटी? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास ये स्कूटी तकरीबन 1.5 साल से है। मेरे पास पहले अपनी मेरी स्कूटी थी जो कि मैं यूनिवर्सिटी में आने जाने के लिए यूज़ करती थी। मैं इधर हॉस्टलाइज हूँ, तो फिर मेरे हॉस्टल से यूनिवर्सिटी तक मुझे बहुत ज़्यादा चार्जेस पड़ते थे, इसके फिर मैंने सोचा कि मैं यूनिवर्सिटी के लिए एक स्कूटी लेती हूँ, तो मेरे लिए एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी बन गई। और जैसे ही मैंने वो सीखी स्कूटी, तो फिर मेरी एक कुलीग ने मुझे बताया कि आप कॉल करियर में एक जॉब है जो कि मतलब स्कूटी अगर आपको राइड करनी आती है तो आप वो कर सकती हैं। फिर मैं यहाँ पे कॉल करियर में आई। जो मेरे पास स्कूटी है वो 49cc है और ये 100cc है। तो आपने सीखी किससे थी स्कूटी चलाना? ये स्कूटी मैंने अपने एक रूममेट से सीखी थी। फीमेल रूममेट से? फीमेल से, उन्होंने मुझे सिखाई थी। और ये बड़ी मज़े की चीज़ है, इसको सिर्फ इसकी रेस और ब्रेक है, इसको बैलेंस करना ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको बैलेंस कर लेते हैं ना, उसके बाद ना तो इसमें गियर वगैरह का ऐसा कोई मसला ही नहीं है, तो आप इसको बहुत इजीली राइड कर सकते हैं। मतलब मैं चला सकती हूँ? बहुत इजीली चला सकती हैं आप, बस इसको बैलेंस करना थोड़ा सा है। सही। अच्छा, मुझे बताएं कि ये स्टार्ट कैसे होती है, इसमें क्या क्या है और इसको कैसे चलाता है? ये इसकी इग्निशन की है और यहाँ से हम लोग इसको घुमाएंगे। ये इसका सेल्फ स्टार्ट यहाँ से होती है और ये ब्रेक को जब हम प्रेस करेंगे उसके बाद हम लोग यहाँ से सेल्फ स्टार्ट करेंगे इसको। ये स्टार्ट होगी और यहाँ से रेस देनी है इसको। और ये जो है इसका फ्रंट व्हील का जो ब्रेक है और ये बैक व्हील का ब्रेक है इसका। इसका हॉर्न है और ये इंडिकेटर है और ये लाइट को लो और हाई करने के लिए। यहाँ से हम लोग इसकी स्पीड चेक करेंगे और ये टर्न करने के लिए इसके इंडिकेशंस हैं। और यहाँ से फ्यूल का पता चलेगा, यहाँ से फुल है अगर टंकी तो एफ पे होगी, इसे तो आपको पता है वो एम्प्टी होगी। फ्यूल गेज लेफ्ट पे। ओके, अच्छा चलिए आप मुझे चला के बताएं कि ये कैसे चलती है। ओके, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने हेलमेट लेना नहीं भूलना और सफ़र की दुआ है जो वो पढ़ना नहीं भूलना। और अगर कोई नहीं चला रहा तो आयतुल कुर्सी भी पढ़ ले। आयतुल कुर्सी भी ज़रूर पढ़ ले। आपने ये हेलमेट पहन के उसके बाद आपने ये चाबी यूं घुमाई, ये वाली ब्रेक को इस तरह दबाया और यहाँ से सेल्फ स्टार्ट किया। ये उठाना नहीं भूलना, ठीक है? ये गिरने के ज़्यादा खदशा है इस पर। और जब मैंने फर्स्ट टाइम सीखी थी मुझे यही बताया गया था कि आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, स्मूथ वे से इसको ले कर चलना है और इसको ज़रूर उठा लेना। बैलेंस का थोड़ा सा इशू था, थोड़ा सा नहीं काफ़ी इशू था मुझे बैलेंस करने में। तो इसमें मतलब गिरने के कितने चांसेस हैं? गिरने के चांसेस जब तक आप बैलेंस करना नहीं ना सीखेंगे तब तक इसमें गिरने के चांसेस काफ़ी हैं। और जब मैंने भी जब फर्स्ट टाइम तो नहीं, खैर मुझे सपोर्ट करने वाले थे जो मुझे सिखा रही थी ना जी। वो मुझे बाकायदा तौर पे ना पीछे से पकड़ के रखती थी कि कहीं ना स्कूटी गिर ना जाए। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी इसको होना होगी इसके साथ, तो मैं बाहर लेके गई। एक दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर ना स्पीड ब्रेकर था, जब मैं वहाँ से गिरी हूँ ना तब मेरा डर उतरा है कि क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे अब चोटें लगी हैं वैसे ही दोबारा से लगेंगी। और गिरने के बाद मेरा सारा डर उतर गया और उसके बाद मैं अकेली लेके जाती रही इसको। मतलब मैं भी पहले एक दो दफ़ा गिरूं फिर सही चल जाएगी मेरे? नहीं, ज़रूरी नहीं है गिरना, लेकिन गिरने के बाद आपका जो खौफ होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। चले मैं पीछे बैठती हूँ, सानू भी एक चूटा दो ताकि हमारा भी डर थोड़ा सा उतरे। आज पाँव रख के नहीं बैठ, पहले कैसे बैठना? पहले बैठना, एक टांग उठा के इस तरफ रखें, पाँव ऊपर नहीं ना रखना, ठीक है? चले अब
अब आप बताएं आपको राइड करके कैसा लगा? मुझे तो बहुत मज़ा आया है। मुझे थ्री इडियट्स में करीना कपूर होती है ना, उसके पीछे राजू वाली फीलिंग आई है। ठीक है, मैं कहती हूँ डन करें, मैं स्कूटी लेती हूँ इंशाल्लाह और सीखते हैं। मैं भी कहती हूँ कि आप इसको डन करें ऑफिस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ये एक बेस्ट चीज़ है और आपको फैसिलिटेट करती है ये चीज़। हमारी तो कंपनी ने हमें फैसिलिटेट किया हुआ है, इसकी वजह से हमें तो बहुत फ़ायदा है। मैं अगर देखूँ तो मैं देखती हूँ कि मैं पहले डिपेंडेंट थी दूसरों पर, लेकिन जब से मैंने स्कूटी लिया अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपने काम खुद से कर सकती हूँ। अब मैं किसी पर डिपेंड नहीं करती कि आप मुझे ले कर जाएँ वहाँ पर, मैंने ये काम करना है वो काम करना है। अब मुझे जब भी ज़रूरत पड़े मैं अपनी स्कूटी निकालती हूँ और चली जाती हूँ। और दूसरी बात, हमारी कंपनी वुमन एम्पावरमेंट पे काम कर रही है। मैं तो कहती हूँ उन्होंने बहुत अच्छा किया है जो गर्ल्स को ये स्कूटी प्रोवाइड की है उन्होंने। मेरा तो ये मशवरा है दूसरी लड़कियों के लिए, मैं उनको इनक्रेज करती हूँ कि वो भी स्कूटी लें और ये इंडिपेंडेंट हों। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाइक्स के बारे में मज़ीद रिव्यूज़ और कंटेंट देखने के लिए पार्क व्हील्स बाइक चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।